जब तक राज्य शासन और लोकल प्रशासन द्वारा दुकानें खोलने को लेकर निर्णय नहीं होता है, तब तक शहर की दुकानें नहीं खोली जाएगी, वरना दुकानदार खुद इसके लिए जिम्मेदार होंगे। ऐसी जानकारी नाग विदर्भ ऑफ चेंबर के उपाध्यक्ष संजय अग्रवाल इन्होंने दी है। दर्शकों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दुकानें खोलने के बारे में कुछ अमेंडमेंट किए हैं, वे अक्सर वो क्या है, आइए हम जानना चाहेंगे। इस समय में हमारे साथ में नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष संजय अग्रवाल है, उनसे जानना चाहेंगे कि अमेंडमेंट में जो किए गए हैं बदलाव कितना महत्वपूर्ण है। सर, ये बताइए, जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो अमेंडमेंट करके एक बात उन्होंने बताया है कि सब जो कामकाज है, जो दुकानें हैं, वो शुरू करने का प्रावधान उसमें है, क्या कहना चाहोगे? सभी तरफ से जो है धीरे धीरे लॉकडाउन कम करने के बारे में जो है मांग उठ रही है, उसको ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कल रात 12 बजे जो है एक नए दिशा निर्देश जारी करे, जिसके अंदर में दुकानें खोलने की एडवाइजरी सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को जो है उन्होंने भेजी है। अब इस एडवाइजरी के ऊपर में स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज़ को अपना निर्णय लेना है और वो अपने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को इसके बारे में जानकारी देंगे कि उनका क्या निर्णय है, और उसके बाद लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उसके ऊपर में अपने यहाँ के हालात देखते हुए COVID-19 की क्या पोजीशन है, हॉटस्पॉट की क्या पोजीशन है, कंटेनमेंट एरिया की क्या पोजीशन है, उसको देखते हुए वो निर्णय लेंगे। ये ज़रूरी इसलिए है, पुराने भी अगर अपन देखते हैं तो केंद्र सरकार का एक ऑर्डर आया था 15 तारीख का, जिसमें स्वरोजगार करने वाले कुछ जैसे इलेक्ट्रिशियन है, कारपेंटर है, इनको छूट दी थी, किंतु महाराष्ट्र राज्य सरकार का जो ऑर्डर आया था उसमें वो छूट उन्होंने नहीं दी थी, बाकी सब छूट कायम रखी थी। उनको अपने कोई कारण रहे होंगे, उसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। इसी प्रकार जब फंकों की दुकान खोलने की एक एडवाइजरी आई थी, उसके साथ ही बच्चों की किताबों की दुकान जो है, पढ़ाई की किताबों की दुकान, वो भी खोलने की एडवाइजरी होम मिनिस्ट्री ने दी थी, लेकिन महाराष्ट्र राज्य सरकार के एडवाइजरी के अंदर में बच्चों के पढ़ाई की किताब वाली छूट नहीं दी गई थी। इसलिए जब तक राज्य सरकार का निर्देश ऑर्डर नहीं आता है, तब तक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन उस पर निर्णय नहीं ले पाएगा, तब तक व्यापारियों ने अपनी दुकान नहीं खोलनी चाहिए। महाराष्ट्र राज्य सरकार के ऑर्डर का इंतजार करना चाहिए, उसके ऊपर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, शहर के अंदर में कमिश्नर, म्यूनसिपल कमिश्नर, शहर के बाहर जिला अपना ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, इनकी क्या दिशा निर्देश आते हैं वो हिसाब से आगे काम करना चाहिए। तो आपके उपाध्यक्ष संजय अग्रवाल, जिन्होंने बखूबी विभाग के साथ बात करते हुए ये कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अमेंडमेंट किया है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार की जो एडवाइजरी है उनके ओर से अभी भी ये पहल नहीं की गई है, और उसके बाद जो स्थानीय प्रशासन होता है उनके ओर से भी कोई ऐसे दिशा निर्देश नहीं दिए गए जिसके चलते दुकान खोलना चाहिए नहीं चलना चाहिए, ये अभी भी एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में बहुत जल्द इसका निर्णय होगा और आने वाले दिनों में दुकान खुलने के लगभग आसार दिखाई देते हैं, लेकिन लॉकडाउन के चलते अभी ये होना संभव नहीं दिखाई दे रहा है। नागपुर से कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ संजय मिरे, NBC News नागपुर।